हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आज की नई वीडियो के अंदर। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टेंट्स के बारे में, कॉन्स्टेंटेंसी। ओके, आज देखते हैं हम कॉन्स्टेंट क्या होता है। एन एंटिटी हुज वैल्यू डज नॉट चेंज इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट। अब हमने कल वेरिएबल देखा था, ठीक है, उसमें क्या था, उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। अब इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। ओके, अब ये लिखा है यहाँ पे, अ वेरिएबल इज एन एंटिटी हुज वैल्यू कैन बी चेंज्ड। इसकी वेरिएबल की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है, पर कॉन्स्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। ओके, कॉन्स्टेंट आर डाटा टाइप्स वैल्यू डेट नेवर चेंज देयर वैल्यू ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। कॉन्स्टेंट की जो वैल्यू है वो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम में चेंज नहीं होती। अब कॉन्स्टेंट को हम यूज़ करते हैं कॉन्स्ट, जब हम कॉन्स्टेंट के अंदर, हम जब हमें कहीं कॉन्स्टेंट लगाना होता है तो वहाँ हम कीवर्ड यूज़ करते हैं कॉन्स्ट। कैसे, अब जैसे हम कल वेरिएबल वाला बना रहे थे तो वेरिएबल के अंदर सीधा हमने लिखा इंट ए, ठीक है। अब यहाँ पे लग जाएगा कॉन्स्ट ए, इंट ए। इंट के अंदर अगर कोई वैल्यू स्टोर है, कॉन्स्ट इंट ए में वैल्यू स्टोर है 10, फिर हम नीचे जाकर अगर उसे चेंज करेंगे कि a इज इक्वल्स टू 20, तो यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं होने की एरर शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने इसे कॉन्स्टेंट कर दिया, इसलिए। अब कीवर्ड्स के बारे में हम बात कल करेंगे ब्रीफली के बारे में, कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं। ओके, तो कॉन्स्टेंट को हम कोई चेंज नहीं कर सकते और वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब कॉन्स्टेंट के टाइप्स, इसमें आता है इंटीजर कॉन्स्टेंट, फ्लोट कॉन्स्टेंट, करेक्टर कॉन्स्टेंट। अब इसमें देखिए, इंटीजर कॉन्स्टेंट में आते हैं जैसे न्यूमेरिकल वर्ड 6, 7, 9, मतलब ये माइनस प्लस वाले सारे। फ्लोट में आते हैं पॉइंट डेसिमल वाले। ओके, करेक्टर में आते हैं ए, ई, ये सब जो भी हैं, ठीक है। मस्ट बी enclosed within a सिंगल inverted कोमा, जो हम करेक्टर को डालने के लिए हमें सिंगल inverted कोमा का यूज़ करते हैं। ओके, ऐसे अगर हम कोई भी इसके अंदर स्टोर करेंगे तो हम सिंगल inverted कोमा का यूज़ करेंगे, ठीक है। कॉन्स्टेंट के बारे में बस इतना ही, कल हम बात करेंगे कीवर्ड्स के बारे में कि कीवर्ड्स कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ओके, ये है आपका कॉन्स्टेंट का प्रोग्राम। सबसे ऊपर है हेडर फाइल्स, फिर है मेन फंक्शन, फिर हमने डाटा टाइप के आगे लगा दिया कॉन्स्ट कीवर्ड, फिर हमारी कंसोल स्क्रीन को क्लियर करने के लिए CLR SCR, फिर प्रिंट एफ जो इंट के साथ लगता है, %DA और GUESS CH जो होल्ड रखता है स्क्रीन को। ओके, अब हम इसे रन करते हैं। रन करते ही इसने प्रिंट कर दिया 100। अब इसके अंदर हम नई कोई वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, जैसे मैंने करी A = 120, ठीक है। तो इसमें इसने एरर दिखा दी, क्या, कैन नॉट मॉडिफाई अ कॉन्स्टेंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमने ऊपर कॉन्स्ट कीवर्ड यूज़ करा तो ये कॉन्स्टेंट हो गया, वो फिक्स हो गया, हम उसे चेंज नहीं कर सकते। ओके, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।